यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। महेंद्रगढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अमर शहीद राव तोलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने मोदी सरकार के 4 साल और हरियाणा सरकार के 43 महीने पूरे होने पर निकाली गई बाइक रैली को रवाना किया। और इसी मौके पर रामविलास शर्मा ने जनसभा को संबोधित भी किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान काफी तादाद में युवा बीजेपी कार्यकर्ता, गांव के सरपंच, पंच, पंचायत समिति के सदस्य के अलावा अनेकों गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। और वहीं दूसरी तरफ आज महेंद्रगढ़ ब्लॉक के करीबन 5 दर्जन गांव के सरपंचों ने इकट्ठा होकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा से उनके निवास स्थान जयराम सदन में मुलाकात भी की और उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखी। तो बाइक रैली का दौर लगातार जारी है, जहां पर मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री भी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे और सरकार की उपलब्धियां कहते हुए नजर आए थे, लोगों को समझाते नजर आए थे। तो वहीं तमाम राज्यों के मंत्री भी इसी कड़ी में ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ 4 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, लोगों को जानकारी दी जाए कि योजनाएँ आज किस तरह से फायदा पहुँचा रही है आम जनता को, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सभी अपने अपने इलाकों में बाइक रैलियाँ निकाल कर लोगों के बीच पहुँचते जा रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं। इसमें दूसरी बात ये भी है, दूसरा पक्ष ये भी है, दूसरा एंगल ये है कि नज़दीक चुनाव है विधानसभा भी, और उसको लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मंत्री हो या फिर विधायक हो, वो लोगों से संवाद करते भी नजर आते हैं ताकि उन्हें अपनी सरकार की तमाम जो उपलब्धि है उसके बारे में जानकारी दी जाए।